नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पंच केदार में से एक मदमहेश्वर की सैर करवाने ले चलते हैं। तो चलिए और जुड़े रहिए। संकरे लेकिन उतने ही खूबसूरत, और इन रास्तों से चोपता होते हुए हम अपने मार्ग रांची की ओर चल पड़े हैं। और यहाँ की सड़कें भी आपको बादलों के बीच होने का एहसास कराती है। और काफ़ी लंबे ड्राइव के बाद हम रांची गांव पहुँच चुके हैं, और कल सुबह यहीं से हमारा ट्रैक शुरू होगा। फिलहाल हम यहाँ के गांव घूमने निकल पड़े हैं, और यहाँ का गांव प्रकृति के बीच में बेहद खूबसूरत गाँव है। और गांव के बीच में एक प्राचीन मंदिर है जो कि माता का मंदिर है, जिसे राकेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं की माने तो इसी स्थान पर चंद्रदेव ने अपने क्षय रोग की मुक्ति के लिए माता का तप किया था। दोस्तों, और अभी सुबह के 5 बजे हैं, और अब हमारी तैयारी हो गई। यहाँ से आप बाहर का नजारा भी देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग। और प्रकृति के शानदार नज़ारों के बीच आज हम रांची गांव में हैं, और आज हमारी जर्नी शुरू होगी यहाँ से मदमहेश्वर के लिए। तो जुड़े रहिए इस ब्लॉग के साथ, प्रकृति के आनंद लेते रहिए। और हम निकल पड़े हैं मदमहेश्वर के लिए, और हमारे साथ यहाँ के शेफर्ड डॉग भी चल पड़े हैं। सच में मन के शोरगुल को शांत कर देने वाले यह झरने बेहद खूबसूरत थे। घने जंगल के बीच इन रास्तों पे सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती है। इस पूरे रास्ते पे जोंक का बहुत डर रहता है, खासकर बरसात के टाइम पे। प्रकृति के अद्भुत नज़ारों के बीच बेहद सुंदर लगभग 2 घंटे चलने के बाद हम गोंडार पहुंच चुके हैं, और गोंडार से थोड़ा ही ऊपर बंतोली एक जगह है, वहां पे हम लोगों ने अपना नाश्ता किया जो कि बेहद ही ऑर्गेनिक और स्वादिष्ट था। खटरा। और अब यहां से मार्ग की कठिनाई का स्तर भी बढ़ता जा रहा था। सच में हिमालय की इन यात्राओं को करना बेहद सुकून भरा होता है। लगभग 5 घंटे चढ़ने के बाद हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन मदमहेश्वर में पहुंच चुके हैं, और इस बीच हमारे जो 4 साथी थे
जो लोकल शेफर्ड डॉग थे उन्होंने हमारा पूरा डेस्टिनेशन तक साथ दिया। और अपने सपने को सच होता देख कोई भी हर्षोल्लासित हो सकता है। और मधमहेश्वर पंच केदार में से एक केदार है जहां पर शिव के मध्य भाग की पूजा की जाती है। बाकी चार केदार में से केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर है। हिमालय के अधिकतर मंदिर कत्यूर शैली में बने हुए हैं। मुख्य मंदिर के ठीक पीछे प्राचीन पार्वती मंदिर है जिसको गौर से देखने से पता लगता है कि उनके बाएं पैर की तरफ शेर और दाएं पैर की तरफ घोड़ा है और दोनों पैर के नीचे मगरमच्छ या उस जैसा कुछ जीव है जो कि प्रकृति के बेजोड़ मेल मिलाप का प्रतीक है। और अभी सुबह के 6 बजे हैं और आज मैं निकलूँगा यहाँ से बूढ़ा मधमहेश्वर की ओर जो कि यहाँ से सीधे ऊपर की ओर। तो जुड़े रहिए और भी सुंदरता देखने के लिए प्रकृति के बीच। मुख्य मंदिर मधमहेश्वर से 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद बूढ़ा मधमहेश्वर आता है और यहीं से पनपतिया होते हुए हम खीरो या बद्रीनाथ भी पहुंच सकते हैं और दूसरा मार्ग यहीं से पांडवसेरा घेयाबिनाक पास नंदीकुंड होते हुए हम कल्पेश्वर भी पहुंच सकते हैं। पनपतिया होते हुए बद्रीनाथ जाया जा सकता है और ठीक इस तरफ से नंदीकुंड होते हुए कल्पेश्वर घाटी उर्गम घाटी। और मैं बूढ़ा मधमहेश्वर पहुंच चुका हूं और प्रकृति ने बेहद ही शानदार तरीके से मेरा यहां पे स्वागत किया हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने इंद्रधनुष बना हुआ है। मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना, अपने अहम की आहुति दे जलना है। बेहद अकल्पनीय एवं बेहद आकर्षक इस तरह के दृश्यों को देखने के लिए आपके पास उस नज़र का होना बेहद ज़रूरी है। इस जगह की सुंदरता को देख मेरा एक हिस्सा यहाँ का होके रह गया।
अद्भुत। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या चाहूँ शंकर से, वो तेरे घनेरे तेरे हैं, मैं और क्या चाहूँ शंकर से। इस तरह के दृश्यों के बीच होना खुद से अभिभूत होने जैसा ही था। और इस तरह से यह सुंदर यात्रा समापन की ओर है। आज की हमारी यात्रा समापन, हम निकल रहे हैं वापसी राशि के लिए। बेहद ही शानदार यात्रा थी। धन्यवाद कहना चाहूँगा।